हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ क्लॉ शूट ब्लूटूथ वायरलेस कंट्रोलर फॉर मोबाइल एंड पीसी। ये जो कंट्रोलर है गाइस 3-in-1 है। आप इसे अपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये जो वायरलेस कंट्रोलर है सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल के साथ ही कनेक्ट होता है, iOS के साथ इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो चलो दोस्तों, इस वायरलेस कंट्रोलर के क्या मेन फीचर्स हैं मैं पहले आपको बता देता हूं। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, ब्लूटूथ एंड 2.4 GHz वायरलेस दिया गया है। इसके अंदर 10 मीटर्स रेंज है इसकी। बटन मैपिंग फीचर के साथ आता है। एंड्रॉयड मोबाइल्स एंड टैबलेट्स के अंदर जो भी गेम्स होती है इस वायरलेस गेम पैड को आप यूज़ करते हुए कौन सी भी गेम खेल सकते हो। और इसके अंदर 400 mAh वाली एक बैटरी दी गई है और इसका प्ले टाइम है 10 आवर्स। बॉक्स देख सकते हो गाइस, इस तरह के बॉक्स में मिलता है हमें गेम पैड। और पीछे देख सकते हो यहाँ पे इसके सारे की फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे है बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे लिखी गई है और इसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है। इसका वेट है 211 ग्राम्स और इसका अप्रॉक्स चार्ज टाइम है 2 आवर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त बेच के फटाफट से बॉक्स ओपन कर लेता हूँ मैं। अभी निकालेंगे इसके अंदर की सारी चीज़ें, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। इस ये है हमारा कंट्रोलर, काफ़ी अच्छी पैकिंग की है इन लोगों ने, पूरी तरीके से ब्लैक कलर का है। तो इसे रखते हैं साइड में और क्या है देखते हैं। ये है इसका मोबाइल होल्डर, इसे कहाँ पे लगाना है मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना। और इसके साथ हमें एक माइक्रो USB केबल मिली है इसे चार्ज करने के लिए। ये रहा केबल, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का केबल है। और एक 2.4 GHz वाला डोंगल भी मिला है, इसे अपने स्मार्ट टीवी में या फिर पीसी में लगाना होता है। तो और क्या है देखते हैं गाइस इसके अंदर। ये है इसकी यूज़र गाइड। तो चलो गाइस, अभी हम इस गेम पैड के बटन्स के बारे में बात करेंगे और इसकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, पूरी तरीके से ब्लैक कलर का है हमारा गेम पैड। और यहाँ पे दो जॉयस्टिक्स दी गई है, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड और ये है इसका डी पैड। और यहाँ पे है YXAB वाले बटन, स्टार्ट है, होम है, बैक है और इस तरफ देख सकते हो यहाँ पे ट्रिगर्स है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के बटन से गाइस सारे के सारे। गाइस अगर आपको याद होगा तो मैंने शायद 1 महीना या 1.5 महीना पहले एक LiveTek Yeoman वायरलेस गेम पैड की अनबॉक्सिंग की थी, वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये देख सकते हो गाइस, ये रहा, ये दोनों जो है गाइस बिल्कुल सेम है। इसका वज़न जो है ना गाइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका वज़न थोड़ा सा कम है। और गाइस आप दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी तगड़ी है और इसका प्राइस भी तगड़ा ही है गाइस। इसका प्राइस है 1300 रुपीज़, इसका प्राइस है 1700 रुपीज़। दोनों का ही बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर दोनों में से जो भी गेम पैड आपको पसंद आता है वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। इसकी फुल वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसकी वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ तक गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है। और यहाँ पे देख सकते हो रबर फिनिशिंग दी गई है ताकि पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल फील हो सके। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ है बहुत ही कॉम्पैक्ट है और देखने में भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की नज़र आती है। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको मेरे मोबाइल से इसे कनेक्ट करके बताऊंगा। मैं यहाँ पे पबजी खेलूंगा, फ्री फायर खेलूंगा और COD, तीनों ही गेम्स मैं आपको खेल के बताऊंगा और बटन मैपिंग किस तरह से करते हैं ये भी बताऊंगा। दोस्तों, इस गेम पैड को हमारे मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस ऐप का नाम है शूटिंग V3। मैंने ऑलरेडी ये जो ऐप है अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखी है। ये है गूगल का प्ले स्टोर, यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया गाइस, तो अभी हमारे मोबाइल को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो मोबाइल होल्डर है किस तरह से लगाना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है इस तरह से मिलता है गाइस हमें, इसे ओपन करना है हमें। और ये देख सकते हो गाइस, इसे यहाँ पर लगाना है और नीचे यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अभी देख सकते हो गाइस, हमारा मोबाइल होल्डर इस पर लग चुका है और यहाँ पर हम अपना मोबाइल लगा सकते हैं।
और इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो आप चाहे तो डायरेक्ट इसे चार्ज भी कर सकते हो, यहाँ से मोबाइल होल्डर निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। तो चलो हमारे मोबाइल को इसके अंदर लगा देता हूँ मैं। तो मोबाइल को लगा दिया दोस्तों मैंने, तो चलो इसे यहाँ से ऑन करना होता है, होम बटन प्रेस करेंगे, ये ऑन हो चुका है। तो ब्लूटूथ में जाएंगे हम, ब्लूटूथ में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप क्लॉ शूट गेम पैड बोल के दिखा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो चलो अभी वापस चलते हैं ऐप के अंदर। जैसे हम ऐप के अंदर आते हैं देख सकते हो यहाँ पे इतने ढेर सारे गेम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे फ्री फायर खेल के बताऊंगा गाइस पहले। तो ये रही फ्री फायर, तो यहाँ से हम इसे एडिट प्रीसेट करते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट गेम भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन दिखाई देगा आपको, जैसे कि दिख रहा होगा गाइस आपको, इसे क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना। अभी हम करेंगे इसकी बटन मैपिंग। तो भाई हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम चलेंगे ट्रेनिंग मोड के अंदर, वहाँ पर जाकर बटन मैपिंग करेंगे। बटन मैपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले देख सकते हो गाइस स्टार्ट को प्रेस करना है। जैसे ही मैंने स्टार्ट प्रेस किया, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर इतने ज़्यादा आइकॉन्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे न्यू में, न्यू को मैंने जैसे ही प्रेस किया सारे के सारे आइकॉन्स यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो चलो अभी हम बटन्स को सेट करते हैं। तो अभी इस जॉयस्टिक को मैं सेट करूँगा, तो इसे एक बार प्रेस करूँगा गाइस। अब देख सकते हो मैंने इसे जैसे ही एक बार प्रेस किया यहाँ पे हमें आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसे मैं ले जाकर यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। ओके, ये बटन सेट हो चुका है हमारा। तो अभी वाई को मैं सेट करूँगा, वाई मैंने प्रेस किया, इसे ले जाकर जंप पे छोड़ दूंगा। तो अभी हम सेट करेंगे बी वाला बटन, बी आ चुका है यहाँ पर, बी को ले जाकर यहाँ पर रख देंगे। अभी ए बटन सेट करते हैं, ए को प्रेस करके यहाँ पे लाकर मैं छोड़ दूंगा गाइस। इसी तरह से आपको सारे के सारे जितने बटन जहाँ पे सेट करना है गाइस आपकी मर्जी में, वहाँ पर उन सारे के सारे बटन्स को आप सेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे फायर का बटन सेट करते हैं, फायर के लिए मैं ये ट्रिगर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पर आ चुका है आर टी वाला बटन, तो इसे ले जाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा। अभी सेट करते हैं हम जूम को, जूम के लिए मैं ये वाला ट्रिगर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे मैंने प्रेस किया। एल टी को ले जाकर यहाँ पे रख दूंगा गाइस। तो आप देख सकते हो गाइस जितने बटन्स आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। अभी यहाँ पे एक बचा है, इसे भी मैं सेट कर देता हूँ, इसे मैं सेट करूँगा ये वाला बटन डी पैड, इसे ले जाकर यहाँ पे रख दूंगा। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग सेट करेंगे इसका माउस वाला बटन। ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ना गेम पैड खरीदने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर माउस जो है किस तरह से सेट किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, तो माउस के लिए हम ये वाला पैड यूज़ करेंगे। तो इसे मैंने प्रेस कर दिया है, तो इसे ले जाकर मैं यहाँ पर कहीं पर भी रख दूंगा गाइस। इसे रख दिया मैंने, फिर वापस से इसे टैप करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ सेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं हमें, तो हम जाएंगे व्यू पर। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्पीड सेटिंग्स दिखाई दे रहा है, तो स्पीड में हम ले जाकर स्पीड सेटिंग रखेंगे 2 पे, रख दिया मैंने। ओके, तो यहाँ से कर देंगे इसे ओके। तो हो चुका है गाइस, सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे, देख सकते हो प्रीसेट सेव्ड सक्सेसफुली बोल के यहाँ पे दिखा चुका है। तो चलो अभी एक बार वापस से ट्रेनिंग मोड में चलते हैं हम लोग। तो अभी आप देख सकते हो गाइस हमारा माउस वाला बटन भी बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है गाइस ये बटन सेट करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा स्मूथ तरीके से ये घूम रहा है। वाओ भाई, तो चलो एक गन पिकअप कर लेते हैं यहाँ से।
तो भाई अभी जंप वगैरह के बटन चेक करते हैं हम लोग। जंप तो सही से कर रहा है, ओके ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ये बटन चेक करते हैं, ये भी सही से काम कर रहा है। तो भाई गन्स वगैरह पिकअप करने के लिए आप गेम जब स्टार्ट करोगे तो वहाँ से जाकर आपको और एक बार जो बटन सेट करना चाहते हो आप वहाँ से जाकर सेट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं आपको COD खेल के बताता हूँ। गेम से बाहर निकलते हैं, ये रही COD कॉल ऑफ ड्यूटी। गाइस आप लोगों की फेवरेट गेम कौन सी है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। COD, फ्री फायर या फिर PUBG, आपकी सबसे फेवरेट गेम कौन सी है? इसकी बटन मैपिंग मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है गाइस। देख सकते हो गाइस सारे के सारे कंट्रोल बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। यार मुझे ना ये गेम बिल्कुल भी खेलने नहीं आती है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कंट्रोल्स किस तरह से काम कर रहे हैं। बल्कि देख सकते हो गाइस सारे के सारे जो बटन्स हैं हमारे बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, अभी मैं PUBG खेल के बताऊंगा आपको इसी गेम पैड के साथ। तो चलो अभी गेम में से बाहर आते हैं। दोस्तों अभी हम खेलेंगे PUBG मोबाइल। PUBG मोबाइल के लिए देख सकते हो मैंने दूसरा मोबाइल ले लिया है। यार मेरे वो मोबाइल में PUBG नहीं सपोर्ट कर रही थी इसलिए मैंने दूसरे मोबाइल में डाल रखा है इसे। तो अभी हम है इसके ट्रेनिंग मोड के अंदर। यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस सारे के सारे बटन जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं इसके। गाइस यार मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी फेवरेट गेम कौन सी है। तो भाई अभी मैं आपको वेपन्स भी पिकअप करके बताता हूँ PUBG के अंदर। इस तरह से वेपन पिक कर सकते हो आप। भाई ये जो गेम पैड है ख़ास तौर पे फ्री फायर और PUBG खेलने के लिए ही बनाया गया है। तो भाई इस तरह से आप लोग जो है इसके अंदर PUBG मोबाइल भी खेल सकते हो। दोस्तों ये जो गेम पैड है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खास करके इसकी जो रबराइज ग्रिप दी गई है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है इस गेम पैड को होल्ड करने में। और इसकी चार्जिंग भी ठीक ठाक सही लगी मुझे। ओवरऑल टोटल प्ले टाइम इसके अंदर 10 आवर्स का मिलता है हमें। और गाइस इसके जो जॉयस्टिक्स है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी लैग नहीं मिलता है हमें गेम खेलने में। और एक बात मैं आपको बता दूँगा, जैसे हम इसे अपने
पीसी से कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर डुअल वाइब्रेशन मोटर्स दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर मोबाइल गेम्स खेलते वक्त डुअल वाइब्रेशन मोटर्स इस गेम पैड के अंदर काम नहीं करती है। और सभी बटन्स काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल है, और ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा देखने में प्रीमियम भी लगती है। गाइस अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर इसे ख़रीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शॉट आउट। दोस्तों कल मैंने ये टंबल बी कार की वीडियो बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा कमाल की स्टंट कर सकती है ये कार। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अखिलेश कुमार, विकास शिलवंत, इब्राहिम रहमान, मधु शर्मा, उदय सरकार, ललित जैन, रतन मीना, यश, अरुण कुमार व्यास, दीपेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूँगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वाली वीडियो पर लाइक करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।